वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में जो टॉपिक्स हैं उसमें देखा जाए तो रेनेसा को रखा नहीं गया है, लेकिन एक समझ चाहिए कि रेनेसा है क्या, रखा नहीं गया है वैसे पुनर्जागरण एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अमेरिकन फ्रेंच रशियन रिवोल्यूशंस, इन क्रांतियों की बात की गई है, फिर जर्मनी और इटली के एकीकरण की बात की गई है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, इनके एकीकरण की बात की गई है, फिर अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनकी बात की गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती है और यूनाइटेड नेशंस की अर्स्टवाइल संस्था लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशंस केम इनटू इफेक्ट। मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं कि इसमें क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनके ऊपर ट्रीटी का बोझ लाद दिया जाता है, और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कहानी लिखी जाने लगती है। हिटलर और मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में और मुसोलिनी इटली के अंदर में, दो तानाशाह उभरते हैं और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी को लिख देते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर का समय स्टार्ट होता है, और फिर एसेंडेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की वर्चस्वता आगे बढ़ती है। अमेरिका कोल्ड वॉर में रूस और अमेरिका आपस में उलझते हैं। देर वॉज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड रशिया, यूएसएसआर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 टू 1989 टिल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, जब तक रशिया का विखंडन नहीं हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया से मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो सब वो आईआर और करेंट अफेयर की कहानी है, ठीक है। संगठन बहुत सारे हो जाते हैं, तो यही सब कहानी है। मूल रूप से पेपर वन में इस मसले के ऊपर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है, सवाल कम पूछे जाने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आर्ट एंड कल्चर से एक सवाल जरूर रहता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से हाल के सालों में सवाल कम पूछे गए, लेकिन टॉपिक कम है, लिख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसको भी जोड़ जाड़ के सवाल बनाए जाने की ट्रेडिशन दिखाई दे रही है। तो हम सबसे पहले किस मुद्दे की ओर चलेंगे, क्रांतियों की ओर चलेंगे, जहाँ से बहुत सारी क्रांतियाँ हुई और वहाँ से क्रांतियों सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशंस, क्रांतियां। अमेरिकन रिवोल्यूशन। अब देखो 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आंसर फ्रेम करने हैं तो ज्ञान की बजाय क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। अमेरिका की क्रांति और पूरा ये, अगर इसकी मैं शुरुआत दिखाऊं तो ये पूरा कंप्लीट कब होती है, 1763 से स्टार्ट होके और 1789, ये पीरियड कौन सा है 1789 वाला, और ये पीरियड कौन सा है 1763 में रिबेलियंस हो रहे हैं अमेरिका के अंदर में। रिबेलियंस क्या हो रहे हैं, रिवोल्ट्स मान लो, लोकल रिवोल्ट्स, स्थानीय स्तर पे लोकल रिवोल्ट्स हो रहे हैं। इन 1763 लोकल रिवोल्ट्स इरप्टेड इन अमेरिका एंड इट वाज द पीरियड ऑफ 1789 इनेक्टमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान को लागू किया गया, ठीक है। तो ये पूरा एक पीरियड दिखाई देता है अमेरिका की क्रांति का। अब अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता हैं
तो कर लोगे सवाल को। बेसिकली अगर मैं कहूं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के फेजेस क्या रहे, चरण, फेजेस क्या रहे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के चरण क्या रहे, तो एक तो फेज है 1763, एक तो फेज यही है। इस समय हुआ क्या है, एंड ऑफ सेवन इयर्स वॉर इन यूरोप। एक हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि सप्तवर्षीय युद्धों का अंत हो रहा है 1763 में। सारी शक्तियां यूरोप की लड़ रही थी, फ्रांस, ब्रिटेन सब आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। और वो लड़ाई किसके लिए थी, ऑल द यूरोपियन पावर्स फॉट विथ ईच अदर फॉर द कैप्चरिंग रिसोर्सेज, संसाधनों की लड़ाई थी। इस दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई होती है, संसाधनों की लड़ाई होती है। जितनी भी लड़ाइयाँ इस दुनिया में हुई है, या हम आपस में जितना भी मनमुटाव या लड़ाई करते हैं, सब वर्चस्व की लड़ाई है। आज भी देख लो, एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो भारत और चीन के बीच में चले, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में चले, अमेरिका रशिया के अंदर में चले, अमेरिका चाइना के अंदर में चले, एक पावर स्ट्रगल चल रहा है क्या। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर पावर स्ट्रगल इज ओनली ट्रूथ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे शक्ति संघर्ष एक अंतिम सत्य दिखाई देता है। नहीं तो यहां पे 1763 में क्या हो गया, पॉइंट याद रखना, पॉइंट जिसको याद है वो इजिली आंसर को लिख ले जाएगा। वो पॉइंट ही नहीं याद है आपको, ऐसा कहानी लग रही है कि भीड़ भागी जा रही थी, सरकारें दौड़ी जा रही थी, मिलिट्री भागी जा रही थी, इसका कोई मतलब खास नहीं है। पॉइंट्स होने चाहिए और एक आध लाइन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जीएस में तो यही अप्रोच अपनाना है। 1763 ये है एंड ऑफ सेवन ईयर्स वॉर इन यूरोप। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्धों का अंत, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्धों का अंत। इससे क्या हो गया, देखो जो अमेरिका की, जैसे हम अगर अमेरिका की अगर हम मैपिंग देखें, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये तो कनाडा कहा जाता है। इधर भले अलास्का वाला जो क्षेत्र है वो यूएसए के अंदर में आ जाता है, और ये वाला हिस्सा पूरा यूएसए का है, और इधर मैक्सिको है, जैसा हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखते हैं। तो अमेरिका का जो ये हिस्सा है यूएसए वाला, यहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनीज हैं। ये जो हिस्सा है ना अमेरिका का, ये हिस्सा है, यहाँ पे स्मॉल कॉलोनीज हैं, स्मॉल कॉलोनीज ऑफ यूके। टोटल कितनी कॉलोनीज हैं, 13। कॉलोनीज मतलब क्या होता है, अ टेरिटरी विच इज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड बाई अनदर कंट्री, अ टेरिटरी विच इज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड बाई अनदर कंट्री, इट इज कॉलोनी। सो दैट पार्ट ऑफ अमेरिका वॉज डोमिनेटेड बाई कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ओवरऑल 13 कॉलोनीज। यहाँ पे मोस्टली लोग कैसे थे, यहाँ की अमेरिका की पॉपुलेशन में ऐसा ही है, स्पेन के लोग हैं, डच लोग हैं, यहाँ पे निग्रो थे, यहाँ पे रेड इंडियंस नाम की प्रजातियाँ थी, ठीक है, ये ट्राइबल्स हैं, इनका भारत वालों से कोई लेना देना नहीं है। रेड इंडियंस यहाँ की जनजातियाँ हैं इस क्षेत्र में। तो अमेरिका की मूल आबादी में ऐसा लग रहा है कि यूरोप के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना। तो जब देखो, ब्रिटेन दावा करता था कि यूरोप के ये क्षेत्र हमारे हैं, क्लेम ऑफ ब्रिटेन वॉज दैट टेरिटरीज वर डोमिनेटेड बाई यूरोपियन, सो दैट ऑब्वियस कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहता था कि ये क्षेत्र जो अमेरिका का है वो यूरोपियों से डोमिनेटेड है, इसलिए इस पर हमारा अपने आप अधिकार हो जाता है। उनकी तो आदत थी
एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेज हैं वो तो कहीं भी कब्जा कर लेते थे, उनकी तो आदत थी, हैबिचुअल वो ऑफेंडर्स थे, हैबिचुअल कॉलोनाइजर्स थे, वो तो शोषण करना जानते थे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब ये तो यहाँ की ओवरऑल बात हो गई कि यहाँ के यूरोप के लोग थे, छोटी छोटी कॉलोनीज बन रखी थी। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि एंड ऑफ सेवन ईयर्स वॉर जब खत्म हुए ना, तो कॉलोनी जो कॉलोनीज के पीपल थे उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटेन की सरकार के अगेंस्ट में। पीपल ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज स्टार्टेड रिबेलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध अमेरिका की कॉलोनियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, ये दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, अब ब्रिटेन वालों को क्या करना था, इसको सप्रेस तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मनाना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ एक इन्होंने जारी किया, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 इशूड बाई ब्रिटिशर्स टू एंड रिवोल्ट्स। अंग्रेजों ने 1763 की घोषणा जारी की जिससे कि स्थानीय स्तर के विद्रोहों का अंत हुआ, ठीक है, कन्विंस किया गया उन्हें, कन्विंस किया गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये मामला क्या था, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था ब्रिटेन किसका, जो अमेरिका के लोग थे। अमेरिका के लोगों की कंपोजिशन क्या थी, लोकल रेड इंडियंस, यूरोपियंस, यूरोपियंस में स्पैनिश, डच, ये लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, ठीक है, कुछ निग्रोज भी थे, अफ्रीका से लाए गए लोग या अपने से आ गए लोग, मोस्टली तो वहाँ स्लेव्स के रूप में ले गए थे लेकिन कम संख्या में वो भी थे। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, सवाल ये है कि रिबेलियंस हुए क्यों थे, ये विद्रोह हुए क्यों थे, वही तो वही शोषण हो रहा था, नहीं किस तरीके का शोषण था, ब्रिटिश शोषण कैसा था, इसको कहते थे ब्रिटिश मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ब्रिटिश मर्केंटाइल कैपिटलिज्म वॉज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड रिबेलियंस। सबसे महत्वपूर्ण इन विद्रोहों के पीछे क्या था, अंग्रेजों का वाणिज्यिक पूंजीवाद, अंग्रेजों का वाणिज्यिक पूंजीवाद, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ये क्या है भाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द कॉलोनीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। कहा गया कि कॉलोनी के लोग बिना परमिशन के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इम्पोज्ड ऑन कॉलोनीज टू रेस्ट्रिक्ट नन ब्रिटिश इंपोर्ट। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ये था कि उपनिवेशों के ऊपर नन ब्रिटिश गुड्स को मंगाने का जो इंपोर्ट होता था उस पर रोक लगा दी गई, कोई सामान नहीं मंगाया जाएगा, ठीक है, उपनिवेशों के ऊपर
उपनिवेशों के ऊपर विदेशी व्यापार जो ब्रिटेन से बाहर के थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, मेन इश्यू लिख लो, हो जाएगा। एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट का मेन इश्यू हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का ये भी था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ या रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द कॉलोनीज, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों के डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर रोक लगा दिया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री अमेरिका में उस समय क्या थी? आयरन और टेक्सटाइल, आयरन एंड टेक्सटाइल। टू प्रमोट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स, टू प्रमोट, ये क्यों किया गया था? टू प्रमोट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स, जो ब्रिटेन के एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो धनी लोग हैं, उनके फायदे के लिए क्या किया गया? उपनिवेशों में इंपोर्ट को रोक दिया गया, कि मैंने अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा वो किसी से कोई सामान नहीं मंगा सकते, और उनकी लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहा गया कि वो आयरन और टेक्सटाइल के मामले में कोई नई इंडस्ट्री नहीं बना सकते। दैट वॉज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। यू मस्ट नो, इम्पोजिशन ऑन दी नॉन ब्रिटिश इम्पोर्टेड गुड्स। सेकेंड थिंग, रेस्ट्रिक्टिंग प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज स्पेशली आयरन एंड टेक्सटाइल टू प्रमोट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, इन मामलों में इसी को कहा गया ब्रिटिश मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। और तीसरी बात क्या की गई? मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश कंपनीज इन कॉलोनीज, क्या किया गया? मोनोपोली ऑफ, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी क्या? मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश कंपनीज इन कॉलोनीज, उपनिवेशों में ब्रिटिश कंपनियों का एक अधिकार स्थापित किया गया इसी नीति के तहत। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, मान लो मैं एक प्रश्न बना दूं, फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ब्रिटिश मर्केंटलिज्म गाइडेड अमेरिकन रिवॉल्यूशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ठीक तो है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। ब्रिटिश मर्केंटलिज्म ने ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। ये अगर तीन बातें आपको पता है, मोनोपोली ऑफ दी ब्रिटिश कंपनीज इन कॉलोनीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन दी कॉलोनीज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स अदर देन ब्रिटिश गुड्स From the other countries in the colonies. That's it. ठीक है, इसको क्या कहा गया? मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, इसको कहा गया मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। तो ये याद होना चाहिए। तो क्रांति क्यों हुई थी? इसी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के चक्कर में। और क्रांति को दबाने के लिए क्या किया गया? क्रांति क्या थी? रिबेलियन था, मैंने अभी छोटे लेवल का है, ये छोटे लेवल का है। तो दबाने के लिए प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डीस्टेबलाइज, टू डीरेल लोकल रिबेलियंस इन अमेरिका। ठीक है, समझ गए। तीसरी बात, एक और समस्या आगे खड़ी हो गई 1765, स्टैंप ड्यूटी एक्ट लेके आ गई, ब्रॉड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट
टू लेवी टैक्सेस ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज यूज्ड इन कॉलोनीज. ब्रिटेन की संसद ने स्टैंप ड्यूटी एक्ट लागू कर दिया इसी बीच में. जब देखा थोड़ा मामला ठंडा हुआ है तो इसी बीच में ब्रिटेन की संसद ने स्टैंप ड्यूटी एक्ट ला दिया और कॉलोनीज के अंदर में जितनी वस्तुएं थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिए. मामला और खराब होगा क्या? वन बाई वन बाई वन कंडीशन वॉज डेटेरियोरेटेड डिवस्टेटेड. एक के बाद एक के बाद एक कहानी में ट्विस्ट आता जा रहा है. लगभग सभी चीजों पे कर लगा दिया गया जिससे कि कॉलोनी के जनमानस में उग्रता की भावना का संचार हुआ. नहीं, जो काम हमारे लायक नहीं होगा उसमें एंगर तो आएगी कि नहीं? कोई भी काम हमारे लायक ना हो तो एंगर तो आएगी. अब यहाँ कलेक्टिव लोग हैं तो वो विद्रोह कर रहे हैं बात बात पे. ठीक है, अब देखो क्या होगा. वन बाई वन मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ. ठीक है, एक के बाद एक घटनाक्रम में बताया जा रहा है. हर एक चीज़ को इसके अंडर में ला दिया गया था. इवन कि चाय ओए के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया. ठीक है, चाय ओए के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया. इसके विरोध में अपोजिशन भी तो होगा ना. अपोजिशन का एक स्लोगन बना लिया गया. देखो कहाँ पे अपोजिशन हुआ. मैसाचुसेट्स, सुना है? हाँ, इसी प्लेस पे एक स्लोगन रेज किया गया. स्लोगन रेज्ड, एक स्लोगन या एक नारा दिया गया. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. वुड यू एक्सप्लेन इट? ते तो अर्थ है लोकतंत्र लाओ, ऐसा है? लोकतंत्र की डिमांड कर रही थी जनता यहाँ पे. सरकार बनाओ. जितने भी बिल थे उनमें अमेरिका के लोगों का भी नॉमिनेट होना चाहिए. हाँ, वो डिमांड ये कर रहे थे कि ब्रिटेन की संसद में अमेरिका के लोग भी होने चाहिए. जब तक अमेरिका के कॉलोनीज के लोग नहीं होंगे तब तक उनके लिए कोई कानून बनाया नहीं जाना चाहिए. तो ये नारा दे दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. स्लोगन रेज्ड एट मैसाचुसेट्स ऑफ अमेरिका by the people of colonies. They demanded American representation in the British Parliament. They demanded American representation in the British Parliament. Without their presence, there is no worth of such acts. जब तक अमेरिका के लोग ब्रिटेन की संसद में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक किसी भी इस तरीके की नियम कानून का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या नारा था इसका? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो यही सब मामले बढ़ रहे थे आगे. देख रहे हो क्रमिक विकास? देखो, चाय ओए के ऊपर भी कर बढ़ा दिए गए. चाय के ऊपर कर बढ़ा दिया गया. अब देखो समस्या क्या खड़ी थी कि एक तरीके से जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे इन टैक्सेस का और ब्रिटेन की सरकार ने कभी सुनती कभी अनसुनी कर देती जैसे भारत में हो रहा था. सिमिलर कंडीशंस वर फेस्ड बाय नेटिव इंडियंस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. सेम थिंग हैपेंड विथ अमेरिकन
पीपल ऑफ कॉलोनीज, जो कॉलोनीज के लोग थे उनके साथ भी सिमिलर घटना हुई कि अंग्रेजों की सरकार डीप एंड डम्ब अप्रोच दिखा रही थी, गूंगे बहरों का अप्रोच दिखा रही थी, जिसको भगत सिंह नहीं कहते थे कि धमाके जरूरी थे क्योंकि गूंगे बहरों को आवाज़ सुनानी जरूरी थी। वो ये भी कहते हैं कि मेरा उद्देश्य नहीं था किसी को मारना, मैं केवल इस सोई हुई सरकार को जगाना चाहता था और मेरा बलिदान भारत के युवाओं को प्रेरणा देगा कि वो कुछ अलग करें, कुछ अलग तरीके से मामले को डील करें, थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाएं। क्यों? तो भारत इसी मामले में तो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। भारत ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी जन्म दे गया और एक से एक मूर्ख शिरोमणियों को भी की भी धरती रहा है। ये संयोग से मूर्खाधिराज ज्यादा हो गए, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम जब समाज में इंटरैक्ट करते हैं, भारत के समाज में, तो मूर्खता की बातें ज्यादा चरम पे रहती है। न्यूज नहीं आती रहती है कि केजरीवाल और मोदी के समर्थकों ने एक दूसरे का सर फोड़ा, ये क्या बताता है? ऑनलाइन किसी ने लिख दिया कि मोदी उतना नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरा वाला उसी पे कह रहा है कि गोली मार देंगे तुम्हें। तो ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम? मूर्खों का समाज। जो मूर्खों का समाज होता है वो बहुत लेट से डेवलप करेगा या पता नहीं करे या ना करे। जो मूर्ख ज्यादा है ना, उनको चाहिए नहीं डेवलपमेंट। बातें बहुत करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ये अमेरिका का समाज कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत डिमांडिंग है। आज भी वो बहुत डिमांडिंग है। आज भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। खैर, तो लोग लड़ना जानते हैं। औसत जनता बुद्धिमान है, भेड़ चाल का सामना नहीं करना पड़ता उन्हें। वो लोग मुक्त व्यवस्था में जीते हैं, जो उनका मन आता है करते हैं। और हम इसी नाम पे बस खुश हो लेते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति 5000 साल पुरानी है और हम सबसे महान लोग हैं, और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि यूरोपियन कल्चर और पूरा ट्रेडिशन पूरा ही बकवास है। सबसे अच्छे दुनिया में कौन है? हम भारत के लोग। इट इज अ बायस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन पीपल। अगर इतना ही वेस्ट खराब है तो इतना आगे ना बढ़ता। अनुसंधानों के मामले में, रिसर्च में, सोसाइटल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, अगर इतना ही उनकी खराब सोच और प्रिंसिपल होते तो इतना आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि एनार्की हो जाती ना। हमारे हिसाब से तो वो एनार्किस्ट हैं, अराजकतावादी हैं, उन्हें तो विकास ही नहीं करना चाहिए। सारा विकास हमें होना चाहिए और हम बस ये सोच के खुश हो लेते हैं कि भारत एक समय जगत गुरु की पदवी पे था। और ये जगत गुरु बनाया किसने था? हमने खुद को ही दे रखा है भाई। अगर आप अपने को ही कह दो कि मैं मुखर्जी नगर का शिरोमणि विद्वताचार्य हूं, उपाधि ले ली आपने, तो ये खुद ही ले रहे हो ना, ये कोई दे रहा है नहीं, तो खुद ही ले ली आपने। कुछ वैसा ही है। हम लोग सेल्फ एडमायरेशन में बड़ा खुश रहते हैं, अपीजमेंट मिलता है। कोई हमारी थोड़ी सी बात कह दे तो हम गुस्से में आ जाते हैं, खुश करता रहे तो इधर उधर बोल के तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। खैर, यहाँ पे ये नहीं है। लोग बड़ा रियलिटी चेक में जीने वाले लोग हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो अब क्या होगा। 1773 बोस्टन टी पार्टी, चाय पीने के लिए लोग जुटे थे यहाँ पे। क्या मसला है ये बोस्टन टी पार्टी का? व्हाट वाज द इश्यू ऑफ बोस्टन टी पार्टी? ठीक है, इट वाज अपोज ऑफ इम्पोजिंग हायर टैक्सेस ऑन टीज। तो ये कैसा अपोज था? ये अपोज तो है अपोज ऑफ, उतने कर भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था, लेकिन जब अपोज के मूड में रहता है इंसान तो कर ही देता है विरोध। बोस्टन में जो ये कर बढ़ाया गया था ना, ये सब, इसको लेके 1773 में
कई सारे लोग जुटे अमेरिका की कॉलोनीज के, और उन्होंने एक शिपमेंट आ रही थी चाय की जहाज के ऊपर, और उसको उन्होंने उतरने ही नहीं दिया, फेंक दिया समंदर के अंदर में, खराब हो गया चाय। अब चाय खराब हो गया, वॉयलेंस हुआ, जो बोस्टन का उस समय अधिकारी था उसने परमिशन दे दिया था चाय को उतारने के लिए, बिकॉज ही वॉज प्रोन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो वहाँ का अधिकारी तो था लेकिन अंग्रेजी राज का समर्थक था, तो उसने परमिशन दे दिया था लेकिन लोगों ने उतरने नहीं दिया, चाय को फेंकना पड़ गया, वॉयलेंस हो गई, इसी को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। किसका विरोध हो रहा था? इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1765। और ये शांतिपूर्ण विरोध नहीं है क्योंकि ये अमेरिका है, यहाँ कोई शांतिपूर्ण वाला व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बस खून खराबा मचा हुआ है। सरकार के ऊपर चिंता बढ़ेगी क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्सर्न्ड विथ दिस वायलेंट प्रैक्टिस ऑफ पीपल ऑफ कॉलोनीज, जो उपनिवेशों के लोग थे उनकी हिंसक व्यवहार को देख के चिंताएं बढ़ गई। किसकी? ब्रिटेन के सरकार की। एक और बात लिख लो, इस सबको हवा कौन दे रहा था? आम जनता तो दे ही रही थी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जैसे जो बुद्धिवादी लोग थे ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो सब दुनिया भर की बातें करते, लिबर्टी जस्टिस फलाडिका, ये सब सुन सुन के दिमाग खोल जाता है। जैसे हमें हमसे नहीं बोला जाता है कि हमसे जैसे 3-4 IAS खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि कभी आप इधर बैठे थे, मैं भी उधर ही बैठा था, आज मैं इधर हूँ, कल आप इधर होगे, ये इधर उधर में दिमाग हमारा किधर निकल लिया ये हमें पता नहीं है, और हम एक अलग ही स्वप्न लोक में झूला झूलने लगे। अब वो क्या कह रहा है कुछ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, बस हम उधर आने की कोशिश में किधर चले गए हैं पता नहीं चल रहा है। इट्स अ रियलिटी। तो ड्रीम सेल हो रही है। अब वो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो पढ़ाई करे, मेहनत करे, सुने कैसे स्ट्रेटजी, अब तो बस इधर आने की कोशिश कर रहा है, और इधर आता रहेगा, वो दिमाग बरगला गया है। नहीं, करना क्या था? टीचर्स भी बहुत सारा बोल देते हैं कि जो IAS की तैयारी करता है उसको बड़ा वो संगीतमय होना चाहिए, वो काव्यात्मक होना चाहिए, वो चेतन भगत होना चाहिए, वो बढ़िया ओरेटर होना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्मार्ट बिहेवियर होना चाहिए। अरे यार, ये सब ख़त्म करो भाई साहब, सिलेबस पढ़ लेते हो जाता काम। मेरा सवाल ये है कि इसको एग्जाम जैसा ट्रीट करो, बी प्रोफेशनल। ये कोई भगवान होने की परीक्षा थोड़े ना है। IAS बनने के बाद ऐसा तो नहीं होगा मूर्ति बना दी जाएगी आपकी और खड़ा करा के रोज लोग दुग्ध दही घृत का आपके ऊपर जल चढ़ाएंगे या घी चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ होगा? रुद्राभिषेक नहीं होगा आपका एटलीस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बी प्रोफेशनल, इसीलिए जितने प्रोफेशनल्स हैं इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर लेते हैं, और हिंदी बेल्ट इमोशनल हो जाता है, ये मेरी जिंदगी है, मेरी आरजू है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इसके बिना मैं अधूरा, वो हमारे बिना अधूरे, मैंने UPSC। अब ये भयंकर भयंकर स्टेटमेंट देके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? हाँ, कहते हैं ये नहीं तो कुछ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, शक्ल भी दशरथ माझी जैसी हो रखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सब बकवास स्टेटमेंट है, आप किसी IITian, IIM, IIIT वाले और फॉरेन रिटर्न व्यक्ति से नहीं सुनोगे। बड़ा कूल एकदम बोलते हैं वो सब। पूछोगे कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इफ यू वुड नॉट एबल टू क्लियर एग्जाम, तो मुस्कुरा देते हैं, इट्स ओके, आई विल डू वॉट एवर विल कम टू इन माई पाथ, इन टू माई पाथ, जो आएगा देख लेंगे।
इतना क्या टेंशन लेना है, एक पूछे कितने साल तैयारी करोगे, यहाँ कहते हैं लोग अंतिम सांस तक करेंगे, तो पहुंच ही जाते हैं अंतिम सांस तक। वो कह रहा है कि एक दो साल करेंगे, मेरे पास समय ही नहीं है क्योंकि मुझे जॉब करनी है। प्रोफेशनल है ना, एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से। आप पूछोगे कि आप विद्वान हो, कहते हैं ना हमें तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है वही पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, और यहाँ डेमोक्रेसी पे ऐसे लिख के और सबसे अधिक नंबर उठा ले गया। ऐसा भी होता है, और बचपन से कोई डेमोक्रेसी में लौट रहा है, उसको हर चीज़ पता है, वो खुद पोलिंग बूथ पे जा जा के बैलेट चेक कर रहा था लेकिन नहीं लिख पा रहा है वो ऐसे, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। हायर डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसीलिए हो सकता है कि आप 20 साल से इतिहास पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के आप जन्मदाता हो, लेकिन नंबर उठाना दूसरी चीज़ है, एकदम बिल्कुल दूसरी चीज़। हो सकता है कम जानकारी वाला जिसने एक आध महीने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हो वो सबसे अधिक नंबर उठा ले जाए। मैं एक सवाल देता हूँ आपको, एग्जाम का एक सवाल देता हूँ जो पूछा गया है। दुनिया के व्यवस्थाओं ने अमेरिकी क्रांति से क्या सीखा, फ्रांस की क्रांति से क्या सीखा, व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 250 वर्ड्स। यह है इतिहास का और इसको कर दिया पॉलिटी का, भयंकर कंफ्यूजन नहीं लग रहा है? दो प्रश्न एक में मिला दिए, फ्रांस की क्रांति से दुनिया ने क्या सीखा और अमेरिका की क्रांति से दुनिया ने क्या सीखा। प्रश्न तो ऐसे हैं, इसमें अब हो सकता है कि आपको फ्रांस की क्रांति उतनी पता ना हो, बोस्टन ये सब ना पता हो, दो चार ही लाइन पता हो, लेकिन लिख तो अच्छा ले जाओगे। अगर आपको अमेरिका की चीज़ें पता है वहाँ से उठाना शुरू करो, कि उसकी प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, क्यों फंडामेंटल राइट्स, फेडरल गवर्नमेंट, वो सब याद आ रहा है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या लिखना था। दूसरा इधर सब गदर मचा रखा है, स्टैम्प ड्यूटी और ये सब, और जानकार बहुत है वो, क्योंकि बचपन से ही वर्ल्ड हिस्ट्री में उसकी रुचि थी, जानकार बहुत है, लेकिन नंबर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई नहीं की है, दिल लगा दिया है पढ़ाई में। दिल से नहीं होता है, मन होता है, दिमाग, ठीक है? कुछ लोग नहीं कहते हैं दिल ही नहीं लग रहा है, दिल लगने ना लगने का कोई सवाल ही नहीं है, मन लगना चाहिए, क्योंकि मन ही कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, ठीक है? तो बोस्टन टी पार्टी हमने करवा दी। अब देखो, हर चीज को हवा कौन देता है? इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग। कौन दे रहा है? इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट, ये समाज में बौद्धिक जागरूकता का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नेचुरल राइट्स, ये कहेंगे कि प्रकृति ने सबको बराबर के अधिकार दिए हुए हैं, इसलिए सब लोग समान हैं। प्रकृति कहती है कि लिबर्टी बहुत जरूरी है विकास के लिए, एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, नेचुरल राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी। देन एंटी कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद विरोध, एंटी कॉलोनियलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जस्टिस, ये सारी बातें, खास करके ये जो मैंने लिखे हैं। इंटेलेक्चुअल्स ने आग भर दी किसके मन में? आम जनता के मन में, कॉलोनीज के मन में, पढ़े लिखे लोग थे, दिमाग उनका खोल उठा। जैसे अम्बेडकर साहब या गांधी या ये सब लोगों ने क्या किया इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग, ये इंटेलेक्चुअल्स ही है ना समाज के, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑल वर, राजेंद्र प्रसाद, ऑल वर इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल।
बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भारत का समाज तब तक बराबरी के स्तर पर नहीं आएगा जब तक कि उनको जागरूकता नहीं होगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। आज भी रियलिटी में पूछो तो हमें बम की जरूरत नहीं है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री हर एक दो महीने में विश्व की राजनीति करने निकले, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें इसकी जरूरत है कि अपने को मजबूत कैसे बनाएं। जिस दिन भारत मजबूत हो गया उसकी पूछ अपने आप बढ़ जाएगी। चीन ने यही किया है क्या? चीन 1979 से लेके और टिल 2022 साल तक वो वर्ल्ड की राजनीति से एकदम गायब रहा, नो वेयर, न स्पोर्ट्स में आता, ओलंपिक में भाग नहीं लेता, कहीं नहीं जाता, कहीं किसी से बातचीत नहीं करता। चाइनीज टेरिटरी को आप पास भी कर ले रहे हो तो थोड़ा तिरछे दिखा के धमका के भगा देगा, बातचीत नहीं करेगा। कहाँ था चीन? जैसे कोई आपका दोस्त होगा, वो दिखे नहीं आपको, रेलिंग पे लटक के झांक रहे हो, चाय की दुकानों पे देख रहे हो, सब्जी की दुकानों पे देख रहे हो, स्वीट्स की दुकानों पे देख रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हो कब ऑनलाइन था, फेसबुक स्टेटस चेक कर रहे हो कब ऑनलाइन था, वो दिख ही नहीं रहा है। आप उसको सोच लेते हो कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया है और ये किसी काम का नहीं रह गया है, और एक दिन रिजल्ट आता है और वो बन जाता है भारत का सबसे युवा उम्र का जज मयंक, 21 साल का। उसके पास ना व्हाट्सएप है, ना उसके पास फेसबुक है, उसके पास ना ऐशो आराम है, उसके पास केवल माँ है उसकी सेवा के लिए। वो एक्चुअली कह सकता है कि मेरे पास माँ है, और हमारे पास, हमने माँ को भुला रखा है और हमारे पास सब है। माहौल खूब बनाते हैं हम, कोई पूछ देना कहाँ जा रहे हो, अरे डिस्टर्ब मत करो, पता है IAS की तैयारी करते, इतना मुंह खोल लिया IAS, जैसा एक बार बचपन में कृष्ण ने खोल लिया था, इतना मुंह धमका रहे हैं सामने वाले को कि हम मामूली इंसान ना समझना मुझे, क्योंकि हम संघ लोक सेवा आयोग का प्रिपरेशन, कुछ लोगों से कह दो, जैसे किसी कहोगे ना किसकी प्रिपरेशन करते हो, UPSC की, वो गुस्सा आ जाता है तुरंत, मामूली समझा है मुझे, UPSC तो NDA CDS भी लेती है, मैं IA और S पे ज्यादा जोर लगा देता है। कौन है ये? गर्दभ राज, इट्स अ रियलिटी। उसको ये इस पे फोकस देने की जरूरत नहीं थी, किस पे फोकस देना था? अपने सिलेबस पे, अपने कोर्स पे, माहौल बना रहा है वो। खैर, इंटेलेक्चुअल्स जान भरते हैं, किसी भी मोमेंटम में जान भरते हैं। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा ना, वो एक अलग लेवल पे खेल रहा है, एक अलग ट्रेजेक्ट्री पे खेल रहा है। भीड़ इस साइड होगी तो इंटेलेक्चुअल उधर खड़ा होगा। इंटेलेक्चुअल्स की संख्या 2 होगी, भीड़ की 2000 होगी। नहीं आ रहा है समझ में? आम भीड़ इन्हें मूर्ख समझेगी, बहकी बहकी बातें करने वाला समझेगी, इनको कोई महत्व नहीं देगा। और ये कौन से लोग हैं? सारे इंटेलेक्चुअल्स की यही कहानी रही है कि अपने समय में इनको किसी ने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। इट्स द रियलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। व्हेन दे वर इन द सिस्टम नो वन रिकॉग्नाइज देम, बट आफ्टर देयर डेथ होल वर्ल्ड एक्सेप्टेड देयर क्रेडेंशियल्स, देयर इंटेलेक्चुअल ब्रेन एंड एफर्ट्स एंड वर्क्स। यही रहा है नहीं? कितनों को मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, चलो। तो इंटेलेक्चुअल्स हवा भर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार चुपचाप बैठ जाए। जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है, क्या वो चुपचाप बैठे? ना, सवाल ही नहीं उठता है। तो अब रिस्पॉन्सिव एक्शन देगा, रिएक्शनरी कार्रवाई की जाएगी। 1774 रिएक्शनरी लॉज केम इनटू इफेक्ट, और इसको
एक तरीके से क्या था, ये प्रोहिबिटरी एक्ट था, लिखोगे कि रेस्ट्रिक्टिव एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1774, कोअर्सिव एक्ट 1774, इसको नाम दिया गया था रेस्ट्रिक्टिव। दंडकारी नियम 1774 में लाया गया। क्या किया जाएगा लोगों को, दोज हुआर अपोजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रूल्स, दे वर कन्फाइंड इनटू द जेल्स, जेलों में बंद कर दिया गया, जेल की हवा खा गए वो। ठीक है, समझ गए। 1775 में फिर से रिवॉल्यूशन का क्या बन रहा है माहौल, रिवॉल्यूशन का माहौल बन रहा है, रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन गॉट नहीं मोमेंटम, नहीं सपोर्ट फ्रॉम, हर बार मोमेंटम नहीं, गॉट सपोर्ट फ्रॉम स्पेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड। देखो ये छोटे छोटे देश बहुत उछल मारते थे उस समय। अमेरिका की क्रांति में इनको आउटसाइड से सपोर्ट मिल गया, इनको आउटसाइड से सपोर्ट मिल गया 1775 में, और फिर 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्यों, कब तक चलेगा, कब ये कब तक चलेगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फाइनलाइज कब होगा ये, 83 में कोई संधि उन्धि हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट इसी से इसका एंड हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड सॉवरेंटी ऑफ पीपल ऑफ कॉलोनीज ऑन द अमेरिकन रिसोर्सेज, समझ रहे हो, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लेफ्ट अमेरिका, और यही आगे चल के 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया था, इनैक्ट कर दिया गया था, इनैक्टेड। तो हो गया कहानी खत्म, संविधान बन गया, जैसा नहीं होता है खेल खत्म पैसा हजम, कि अभी कहानी बाकी है। वॉशिंगटन, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन मेड ड्राफ्ट होता है ना, कि एक प्रारूप किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन। फिलाडेल्फिया एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, इधर ही सारी कार्रवाई हो रही थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, एंटी कॉलोनियलिज्म, फला फला, ठीक है, ये सारी बातें दिखाई दी। इसकी कोई क्रिटिसिज्म भी है क्या, अब जैसा पॉलिटी में देखते हो कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर क्या रही, वो यहां तुरंत लिख देना है। अब जिसको पॉलिटी का ज्ञान होगा वो लिख लेगा क्या, तुरंत सैलिएंट फीचर्स किसके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या रहे। तो अभी हमने लिखा भी था फंडामेंटल राइट्स, नहीं,
फंडामेंटल राइट्स, इनकी प्रीएम्बल स्टार्ट होती है, इनकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी अभी इसको कहा था कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस स्टार्ट विथ वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ इंडिया. वहां पे अमेरिका मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो एक बात ये मौलिक अधिकार, फिर प्रस्तावना, फिर तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यहां पे संविधान सर्वोच्च है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र है. देन जुडिशियल रिव्यू, अगर सरकार और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है कोई गलत काम करती है तो उसकी रिव्यू हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, यही सब है ना. सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स विथ चेक्स एंड बैलेंस. चेक्स एंड बैलेंसेस, कहा गया कि जो विभिन्न अंग हैं उनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया जाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और वो उनमें से कोई बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर दिखाई देते हैं. फिर कह दिया गया ड्यूअल सिटीजनशिप एंड ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों दोहरी नागरिकता और दोहरा संविधान, वहां स्टेट का अलग संविधान है और नागरिकता है, और स्टेट का अपना अलग, और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल माने फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वहां पे फेडरल सिस्टम है, समझ रहे हो, अमेरिका में क्या है, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम. यही सब इसकी फीचर हो गई, क्लियर है. तो दुनिया ने क्या लिया यहां से, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स लिए और ये सब लिया, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब कहां से आया, एंटी कॉलोनियलिज्म, ऑल दीज केम फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कहां से आई थी, यहीं से आई थी पहली बार. तो लिख लोगे लग रहा है मुझे, तो मान लो मेन मुद्दा ही याद नहीं हो, और पूरी क्रांति में आप ही मुख्य जनता के रूप में थे, नेता तो नहीं हो सकते हो, जनता के रूप में थे, फिर भी क्या मतलब याद ही नहीं है, पॉइंट्स ही नहीं याद है, कैसे लिखोगे, मेरा सवाल ये. समझ बहुत अच्छा आता है, एक अक्षर याद नहीं है, और समझ तो पानी जैसा आता है, फायदा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझदारी से ज्यादा याद करने पे जोर देना चाहिए, याद ही नहीं होगा तो कोई मायने मतलब नहीं है कि आप कितने समझदार हो. जैसा चौराहे की चर्चा होती है कि पता है अमेरिका क्रांति ऐसी हुई थी कि आज तक नहीं हुई, और फ्रांस की क्रांति भी ऐसी हुई थी कि आज तक नहीं हुई, और इन दोनों की ऐसी की तैसी कर दी भारत की क्रांति ने. क्या इस तरीके का विचार एग्जाम में चलेगा, नहीं. माय पॉइंट इज कि जो मेन क्रक्स है वो निकालो और उसको याद कर लो, जो एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से पूछा जाए, जो जिसको हम लिख सके. मेंस में तो यही है ना, कंटेंट ही गायब है तो फिर कोई मसला ही नहीं है फिर तो. खैर, कोई चीज बहुत हाई नोट पे स्टार्ट हो, जैसे अमेरिका की क्रांति हाई नोट पे स्टार्ट हुई थी, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है. और जब मैंने मैप बनाया था, जब हमने अमेरिका का मैप बनाया था, तो हमने एक बात देखी कि ये वाला हिस्सा तो हमने दिया नहीं है, ये उसका है, ठीक है, और ये हो गया, ये तो यूएसए के हिस्से में है, और ये वाला जो हिस्सा है वो यूएसए का है. अब देखो यूएसए में भी दो हिस्से हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ और एक साउथ.
उत्तर और दक्षिण दो हिस्से थे। देखो ऐसा होता नहीं है कि जैसे भारत ही देख लो, कुछ राज्य रिच हैं और कुछ पुअर हैं। इन इंडिया फ्यू स्टेट्स आर रिचर एंड फ्यू आर पुअरर स्टेट्स पीपल एज वेल। कुछ जैसे गुजरात में जाओगे, बच्चा बच्चा सामान बेचने में एक्सपर्ट है, गुजराती व्यवहार से ही बनिए होते हैं, वो हर चीज बेच देंगे, जो फ्री भी कह रहे हैं वो भी फ्री नहीं है, उसमें भी पैसा है, भले आगे चल के ले लें। देख रहा हूं ना जियो का हाल, ठीक है। और इसी वजह से फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें पे आ गए हैं, 9th रैंक, $61 बिलियन। भारत में सब गरीब हुए हैं, देश भी गरीब हुआ है, इकोनॉमी डोल गई है। मुकेश अंबानी भागे जा रहे हैं, $36 बिलियन से बढ़ के हो गए $61 बिलियन। और सूचना लग रही है कि अगली लिस्ट में ये फिर से टॉप 3 में जाने की इनकी संभावना है। भारत की पहली कंपनी हो गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपीज है। पता नहीं कितना होता है, समझ में नहीं आ रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए। कई लोग तो 10 ही लाख नहीं देखे होंगे, 10 लाख करोड़ की तो बात ही अलग है। तो जिस देश में इतनी गरीबी बढ़ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, इकोनॉमी एकदम रिवर्स गियर में भाग रही है, उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, उद्योग धंधे बहुत मजबूत चल रहे हैं, और कुछ कहेंगे कि खराब चल रहे हैं। बट रियलिटी इज वी आर गोइंग इन ए रिसेशनरी फेज, स्लो डाउन हो रखा है हमारी इकोनॉमी में। तो इसी बीच में कुछ राज्य चाहे कितनी भी गरीबी हो धनी रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र, जैसे गुजरात, जैसे पंजाब के क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र तो रहेंगे ना, धनी रहेंगे। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, यूपी तो इस बार जीडीपी में सेकंड रैंक पे दिखा रही है। देखो ऐसा है ना कि ग्रोथ रेट क्या होती है ना, ये अलग चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास साइकिल हो और मैं एक दिन नैनो ले लूँ कार, तो मेरी ग्रोथ रेट 500% भाग गई, नहीं आ रहा समझ में। और मेरे पास लिमोजिन हो, अब मुझे ग्रोथ रेट लाने के लिए, जैसे मान लो BMW हो, तो मैंने 5 सीरीज से 7 सीरीज की गाड़ी खरीद ली, तो मेरा पॉइंट में बढ़ेगा। अब मुझे ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा या प्लेन खरीदनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो धनी लोगों की ग्रोथ रेट स्लो होती है और गरीब लोगों की ग्रोथ रेट परसेंटेज में अधिक होती है। इसलिए न्यूज आती रहती है कि इस बार यूपी ने तोड़ दिया ग्रोथ रेट में रिकॉर्ड, फिर अगली बार आएगा बिहार ने पूरा जलजला ला दिया, और इसी में हम खुश हो जाएंगे और फिर आंखें तरेर के कहेंगे देखा यूपी और बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल को भी जीडीपी की ग्रोथ रेट में पछाड़ दिया। टेक्निकली क्या है मसला, उनकी ऑलरेडी ग्रोथ रेट हो रखी है। जैसे वो सड़क में रिपेयर करते हैं और हम हम गड्ढों में सड़क ढूंढते हैं, है नहीं, गड्ढे ज्यादा हैं सड़क कम है। और जवां जैसे ऐसे लोग हैं कि वो नचा के चलाना जानते हैं, दैट इज द मास्टरी ऑफ यूजिंग व्हीकल। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो बहुत मास्टर हैं रोड पे। मैंने देखा कि लोग मैंने इतना एक्सपर्ट हैं, सिंगल हैंडेडली भी चला सकते हैं। अच्छा, उनको अंदाजा है कि किस गड्ढे में कितना ब्रेक लेना है। जो परमानेंट बाइक चलाता है या कार चलाता है, उस क्षेत्र में देखो एकदम दूर से देखो, इसमें हल्का ब्रेक लेना है, इसमें जोर से ब्रेक लगाना है, इसमें धीरे धीरे ब्रेक लगा कर फिर रोकना है, गड्ढे गड्ढे की जानकारी है। क्या बता रहा है ये, उनकी पूरी जिंदगी गड्ढों में बीती है। रियलिटी इज दिस। तो ग्रोथ रेट की कहानी दूसरी है, मैनिपुलेशन है भाई ये मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि बढ़ रही है, लेकिन ये होशियारी ज्यादा दिखाई दी जा रही है। मुझे कौन सा यूपी में कौन सा ग्रोथ दिखा है, मुझे लग रहा है कि दिया राज्य ना हो जाए, इसका नाम रख दो धूम धूम जले दिया। यही तो हो रहा है हर साल, ग्रोथ के नाम पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और हमें ऐसा ना हो कि यूपी की जनता कहा जाए रोजगार के नाम पे कि दिए में तेल डालो, जो बचा तो है नहीं उद्योग धंधा। एक नया सीख रखा है सरकारों ने, बिलियन ट्रिलियन और
अलग अलग सब आंकड़ों को बताने का, ऐसे ऐसे लोग जो दसवीं में 10 बार फेल हैं वो भी बिलियन ट्रिलियन के दावे कर रहे हैं, इट्स अ रिडिकुलस। हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? भारत महाशक्ति हो गया तो हमें फायदा, भारत ने 25 अग्नि बम बना लिए, इसीलिए तो बनाए हैं कि जब रोजगार और गरीबी की डिमांड करोगे ना, गरीबी दूर किया जाए रोजगार, तो मुंह पे मार देंगे अग्नि 3। दैट इज रियलिटी, समस्या है ना। खैर चलो, नहीं उस समय नहीं, बाद में अमेरिका का उस समय कुछ नहीं था, सब बाद में बना है तो सिर्फ अमेरिका था। फिर जब देखो यहाँ पे एक सिविल वॉर होगी, ये लोग रिच हैं, ये पुअर हैं, ये लोग लैंड लॉर्ड्स हैं और ये लोग स्लेव्स नहीं है, पुअर फार्मर्स हैं, किसान हैं, गरीब किसान हैं। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगीकरण होगा। अब देश तो आज़ाद हो गया है ना, तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और यहाँ स्लेवरी का जम के यूज़ किया गया, इंटेंस यूज़। तो ये क्या हो गया, बिकम मोर रिचर, सुपर रिच हो गए, समझ रहे हो, सुपर रिच हो गए, दे बिकम सुपर रिच। व्हेन आफ्टर द इंडिपेंडेंस नॉर्थ ऑफ अमेरिका गेटिंग सुपीरियर स्टेटस कंपेयर देन साउदर्न पार्ट, बिकॉज दे लोकल पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका मोस्टली ऑफ लैंडलॉर्ड्स एरिस्टोक्रेट्स दे invested in industrialization, they used slavery as a tool of their development. उन्होंने अपनी विकास के लिए slavery का जम के use किया, दास प्रथा। ये दास कहाँ वाले हैं? बिहार वाले नहीं है भाई, ये जो south वाले नहीं है, ये negro है, negro अमेरिका में है, इतना कुछ भी जवाब मत दिया करो, negro पकड़ लेंगे उसी पर्सनालिटी टेस्ट में, आने ही नहीं देंगे घर पे, ये अजायब घर का प्राणी कहाँ घूम रहा है खुला, ठीक है, निग्रो, ठीक है। निग्रो कौन से लोग हैं? अफ्रीकन्स हैं। अफ्रीकन्स की फिटनेस तगड़ी होती है और वो एडवर्स कंडीशन में रहते हैं। जैसे देखो हम खाना पीना खा के भी कमज़ोर से लगते हैं, लाचार, हताश, उनको 5 दिन खाना नहीं भी दोगे तो वो देखा कितना जोश से बात करते हैं रोड पे, कभी सुना किसी अफ्रीकन को? नहीं, नीचे तो बात ही नहीं करते, अगर वो हाँ ऊंची आवाज में अगर वो बात कर रहा हो ना, पूरा हाथ हो ऐसे ऐसे झाड़ेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, माने अगर आपके सामने वो बोल रहा है ना तो सडनली बोले तो डर के भागोगे दूर, एनर्जी लेवल बहुत हायर होता है उनका। अब देखो जब ये गए चाय की बगानों में, खाना वाना नहीं देते थे, हाथ में शैकल्स बांध देते थे, कंप्लीटली निग्रोज वर कन्फाइंड इन दीज शैकल्स, दे डिप्लॉयड इन दी टी गार्डन्स, इंडस्ट्रियल फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो उनका खूब यूज़ किया और रिच होते गए। ये बेचारे किसान हैं, जी खा रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका में प्रेसिडेंट आ गए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन है ये? मैंने नॉर्थ का क्यों डायरेक्शन बना दिया है? वही के राष्ट्रपति होंगे, नहीं पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बट सपोर्टेड बाय रिच पीपल। अब्राहम लिंकन वॉज सपोर्टेड बाय रिच पीपल एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड हिज मैनिफेस्टो वॉज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इनका मैनिफेस्टो है दास्ता का अंत, यही बोल के आए हुए हैं। क्या है इनका स्लोगन? जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था ना, गरीबी भगाओ नहीं हटाओ, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, स्लेवरी, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इनका क्या है नारा, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। एडवर्स इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा?
रीच के ऊपर नहीं, इनका तो हो गया, रीच जो हो गया उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किसके ऊपर? When South started use of slavery to do agriculture, to do industries expansion, then Abraham Lincoln came with abolition of slavery. South वाले के need क्या है, इनकी need क्या है? Continuation of slavery. तभी तो rich बनेंगे ना, मजदूर चाहिए इन्हें. और नॉर्थ वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब हो गया, जैसे बैटिंग इन्होंने कर ली है, अब कह रहे हैं मैच खत्म मैच खत्म. बच्चे करते हैं ऐसा? जो बैटिंग कर लेगा कहेगा मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, घर जाना है. और फील्डिंग वाला उसको पकड़ कह रहा है कि मेरा चांस. ऐसा है क्या? इट्स रियलिटी. वो दूसरा वाला कह रहा है कि मेरा चांस कहाँ गया. साउथ पार्ट ऑफ द अमेरिका पीपल, दोज हु आर पुअर, डिमांडेड continuation of slavery, but north people who getting richer by the intense use of slavery and exhausted development होता है ना, एक saturated point पे पहुंच गए, तो उन्होंने कहा अब नहीं चाहिए slavery. ठीक है, जैसे बहुत धनी व्यक्ति हो जाता है तो पैसा बांटने लगता है क्या इधर उधर? कोई बहुत धनी व्यक्ति हो जाएगा तो पैसा बांटने लगेगा, वो स्कूल बनवाएगा, टॉयलेट्स बनवाएगा, गरीबों के लिए शेल्टर देगा, ऑर्फेनेज होम चलाएगा, पैसा बहुत है ना उसके पास, यही होता है ना. तो ये लोग अब कह रहे हैं कि नहीं अब दया आ रही है इसके ऊपर, इसके पिताजी से तो खूब काम कराया लेकिन इसके ऊपर दया आ रही है. देन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. रिच आदमी भले चाहे जितना धूर्त हो, बातें बड़ी बड़ी करता है. ये लक्षण है, रिच व्यक्ति चालाक होता है, धूर्त जिसे कहते हैं, श्रीउड कनिंग. समझ नहीं रहे हो? व्हेन मुकेश अंबानी डिक्लेयर्ड कि मैं जियो सिम के द्वारा भारत में सूचना क्रांति लाना चाहता हूं, आम लोगों के हाथ में मजबूती देना चाहता हूं, अब कौन सी मजबूती क्या हो गया? रिच व्यक्ति बस भाषण देता है, मैं अपने पिताजी के सपने को पूरा करना चाहता हूं. धूर्तता खेल रहा है क्या वो? एग्जैक्टली. अब पिताजी मना कर दिए, ऊपर से मना कर दिए कि बेटा हो गया सपना पूरा, अब पैसा लो. ऐसा है क्या? नहीं. उद्धव ठाकरे बन गए सीएम. बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरा अंतिम सपना है कि कांग्रेस इस देश से मुक्त हो जाए, मैंने कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए. उद्धव क्या कह रहे हैं कि पापा गए सपने गए, अब मेरे सपने हैं और मैं भी किसी का पापा हूँ, और मैं जिसका पापा हूँ वो भी सपने देखता है, तो जो गए पापा उनकी क्या ख्याल करनी है, अभी मैं पापा हूँ और पापा पापा खेलते हैं नए तरीके से, सारी सिद्धांतों और उसको तवज्जो छोड़ दिया है, कुछ है रियलिटी है. सदन में कहते हैं वो कि मैं तो टीवी देख रहा था लेकिन भाजपा ने मुझे परेशान कर दिया और मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ. पहले ही दिन लड़ाई हो गई कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मारामारी मची हुई है. कांग्रेसी बहुत घात लगाई, पुराने घात लगाने वाले लोग हैं. कांग्रेस ने नई डिमांड रख दी है. एनसीपी कह रही है कि हमारा होगा डिप्टी सीएम और आप स्पीकर का पद ले लो. कांग्रेसी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर से कम कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी पैदाइशी आदत है ये बंदर बाट करना, इसलिए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्त हो रखा है ना. खैर, यहाँ पे क्या हो गया? आइडियोलॉजिकल रिच आदमी जैसा नहीं सब इधर उधर की बातें करता है, धूर्तता वाली. तो नॉर्थ वाले लगे बात करने कि देर इज नो नीड ऑफ स्लेवरी, इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, नेचर गिव्स अस इक्वल राइट्स टू एवरीवन, लिबर्टी इज द सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फलाटी का बड़ी बड़ी बातें, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि माई बाप हमारे को खाने का लाला पड़ा हुआ है, यहाँ लोग नहीं हैं, हम आखिर कैसे डेवलपमेंट करेंगे. ये कहते हैं गो टू हेल. राष्ट्रपति किसका? इसलिए रात में भी राष्ट्रपति शासन हटा देगा.
जिसकी लाठी उसकी भैंस, इट इज दी बेसिक प्रिंसिपल। तो नॉर्थ वाले का राष्ट्रपति है और उसी से सपोर्टेड है तो साउथ वालों की सुनेगा नहीं। अब शुरू होगा वही जो होता है घर घर की कहानी, सिविल वॉर, गृह युद्ध बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। आज तक कौन जीतता आया है इस पूरी लड़ाई में? धनी जीतता आया है। धनी व्यक्ति अपने हिसाब से व्यवस्था को यूज कर लेता है। कौन, किसकी विक्ट्री हुई? विक्ट्री हो गई इनकी, स्लेवरी एबोलिस्ट। अब्राहम लिंकन बिकेम ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दी यूएसए। अब साउथ वालों ने कहा कि अब हमें नहीं रहना है अमेरिका के साथ, जा रहे हैं अब, क्योंकि हमें, हमने तो समझौता किया हुआ है ना, जा रहे हैं छोड़ के घर। इन्होंने कहा कि मिलिट्री घेर लो और मारो इन सबों को, इनको दौड़ा लो। साउथ वाले आ गए इधर और मिलिट्री से घेर लिया गया इन्हें। इनको धमकियां देनी शुरू हुई। साउथ वालों ने कहा कि बोलो कहाँ चलना है। इन्होंने कहा कि आज से हम हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड आउटकम ऑफ दिस सिविल वॉर वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया। यहीं से पूरे अमेरिका को एक कर दिया गया, एंड राइट टू सेपरेट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट कैंसल्ड। अब कोई भी अमेरिका से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा तय किया गया। इसीलिए इसको पहले अमेरिका कहते थे और बाद में यूएसए कहने लगे। समझ रहे हो किसकी देन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट टर्मिनोलॉजी केम आफ्टर सिविल वॉर एंड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, व्हेन नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट यूनाइटेड, एंड राइट टू एलियनेट इट्सेल्फ फ्रॉम द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट इज स्नैच्ड अवे फ्रॉम द कॉलोनीज। कॉलोनीज से, उपनिवेशों से अलग होने का अधिकार छीन लिए गए, और यही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वर्चस्व की कहानी। समझ रहे हो? उसके बाद तो देख ही रहे हो अमेरिका का हाल। उसके बाद जब ये यूनाइटेड हुए तो धीरे धीरे नॉर्थ वालों ने सोचा कि भाई बहुत दिनों तक हम इन्हें दबा के नहीं रख सकते, तो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट स्टार्ट कराई। साउथ में भी डेवलपमेंट हुआ, साउथ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पूरी दुनिया में हो रहा था तो अमेरिका में भी हो रहा था। 18th सेंचुरी वॉज एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। खूब सारी आविष्कार हुए, खूब सारी चीज़ें आई, और अब स्लेव्स की ज़रूरत नहीं रह गई थी। व्हेन मशीन्स केम इनटू सेंटर स्टेज देयर वाज नो यूज ऑफ स्लेव्स, एंड दैट इज हाउ होल अमेरिका वॉज डेवलप्ड। मैंने 90% अमेरिका तो है ही आगे, डेवलप्ड ही है। तो वो मौके की नजाकत समझ गए थे। हम होते तो ये और रिच हो जाते ऊपर वाले, और नीचे वाले और गरीब हो जाते, जैसा हुआ है। भारत के कुछ राज्य लगातार गरीब हुए और कुछ राज्य लगातार अमीर हुए, और जब गरीब लोग अमीरों के राज्य में जाते हैं तो अमीर राज्य वाले धो के भेजते हैं, क्योंकि वो अमीर बने रहना चाहते हैं, वो शेयर नहीं देना चाहते। क्यों भाई, इस देश में हक तो सबका है ना। वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्लिज्ड टू यूज ऑल द रिसोर्सेज, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट अस, हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भारत में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा दिखाई दिया। मैं कहूं क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, लिख लोगे? मैं कहूं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का क्रिटिसिज्म या आलोचना, लिख लोगे? लिख लोगे? हाई नोट पे स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट करोगे ना, कि हाई नोट पे लिबर्टी, जस्टिस, फलांडी का ऐसा है ना, और फिर अपने सिविल वॉर में फंस गया, फिर स्लेवरी को इन्होंने यूज किया, फिर स्लेवरी को अचानक से बंद कर दिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर लिए गए, मिलिटराइजेशन कर दिया गया साउथ का, समझ रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, नॉर्थ अमीर हो गया और साउथ, इक्वालिटी राइट्स नेस्ट कर दिए गए, तो क्रिटिक हुआ ना,
तो पहले लिखोगे कि अमेरिका की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, और दूसरे पार्ट में लिखोगे कि कहाँ अमेरिका फेल हो गया, फिर लिखोगे कि अमेरिका ने अपने को संभाल लिया। आफ्टर सिविल वॉर्स बिटवीन 1861 एंड 65, अमेरिका एनी हाउ मैनेज टू सर्वाइव एंड स्ट्रेंथेंड इटसेल्फ सो दैट अमेरिका बिकेम सुपर पावर। समझ रहे हो? कोई भी प्रश्न अमेरिकी क्रांति का छूट सकता है क्या? ना, बड़ा कम में हमने बहुत अधिक आउटपुट दे दिया, कुछ भी नहीं। अब इसी को चाहो तो 20 पेज में पढ़ते रहो कि कार्नवालिस जा रहे थे और जॉर्ज वॉशिंगटन जा रहे थे और बम फूट रहे थे और गोलियां चल रही थी, आकाश नीला हो रखा था, गरज रहा था, काला हो रखा था, बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गया, कार्नवालिस गिर गया उसका वहां मुंह काला हुआ, लेकिन भारत में आके उसने मुंह धो लिया क्योंकि नदियां बहुत थी। इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको कम में अधिक लिखना है तो क्रक्स ऑफ द मैटर को निचोड़ के निकालना होगा, लाइक ए जूस फ्रॉम एनी फ्रूट, और फिर अगर वो सेट है दिमाग में तो कुछ भी पूछेगा आप लिख लोगे अमेरिका के रिवॉल्यूशन से संबंधित। इंटेलेक्चुअल कौन से थे उनके बारे में कभी बता दूंगा अगले, वो फ्रांस और उसको जोड़ के पढ़ाना है, क्योंकि जो यहाँ आग लगा रहा है ना वो उधर भी है। इंटेलेक्चुअल की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जो भारत में बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल है वो अफ्रीका के लिए भी, जैसे गांधी अफ्रीका को भी इंस्पायर्ड कर रहे थे, अब इवन अमेरिका को भी इंस्पायर्ड कर रहे थे, नहीं तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जो बुद्धिवादी होते हैं, दे आर बियॉन्ड बाउंड्रीज, दे आर यूनिवर्सल सिटीजन, वो सार्वभौमिक नागरिक होते हैं, क्योंकि किताब लिख दी घूम रही है इधर से उधर तो कहीं का नहीं रह जाता है, मतलब हर जगह का हो जाता है। ठीक है, इसको करेंगे अपनी अगली लेक्चर में।